सिक्किम जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन उस जगह की खूबसूरती और सादगी बड़ा ही यूनिक है। इमेजिन करिए, एक तरफ स्नो कैप्ड हिमालयस है जिसकी सुंदरता आपको मेसमराइज कर देंगे, और दूसरी तरफ है लश ग्रीन वैलीज विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टी गार्डन्स, स्पिरिचुअल प्लेसेस, और बीच में बहती हुई तिस्ता रिवर जो अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ इस जगह की सुंदरता को और भी ज्यादा आकर्षित कर देती है। लेकिन जब भी हम लोग सिक्किम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है हाई अल्टीट्यूड प्लेसेस, कड़कती हुई ठंड और टायरिंग जर्नीज, और स्पेशली जब भी हम लोग के साथ ट्रिप के दौरान कोई बुजुर्ग लोग या बच्चे साथ होते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग के दिमाग में तो जरूर चलते हैं, और हम लोग के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि क्या बच्चों के साथ नाथुला पास जा सकते, नॉर्थ सिक्किम जाना सही होगा कि नहीं एजेड लोग और किड्स अंडर 5 इयर्स के साथ। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हर एक चीज के बारे में डिटेल में, और जानते हैं कि आपको सिक्किम का टूर नहीं करना चाहिए इन सिचुएशंस में, और अगर जाना चाहिए तो कब और क्या क्या जगह हम लोग घूम सकते बिना कोई टेंशन लिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और हम लोग को भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आपको देने के लिए। तो सबसे पहले तो सिक्किम जाने के लिए बेस्ट टाइम क्या है, तो सबसे पीक टाइम जो होता है वहां जाने के लिए वो है मार्च से मई और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का टाइम। सबसे ज्यादा टूरिस्ट उस टाइम पर ही जाते हैं, जहां जून से अगस्त के बीच मॉनसून सीजन होता है वहां पर, और थोड़ा रिस्की भी हो जाता है इन टेरेन्स में ट्रेवल करना क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। और विंटर्स में दिसंबर से फरवरी के बीच का टाइम में तो कुल्फी जमा देने वाली ठंड होती है, और उस टाइम बहुत सारे जगहें बंद रहती है हेवी स्नोफॉल के कारण, लेकिन मॉनसून और विंटर्स में आपको होटल के प्राइसेस सस्ते मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस कंडीशंस में आप कौन से जगह घूम सकते हो। तो इस वीडियो को मैं दो हिस्से में डिवाइड करूंगा, पहला उन लोगों के लिए जिनके साथ बुजुर्ग लोग या छोटे बच्चे हैं ट्रिप के दौरान, और नेक्स्ट पार्ट होगा बाकी सब लोगों के लिए जिन्हें हाई अल्टीट्यूड प्लेसेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। और पार्ट वन में हम लोग मेनली कवर करेंगे साउथ एंड वेस्ट सिक्किम और थोड़ा सा ईस्ट सिक्किम भी, और पार्ट टू में हम लोग करेंगे पूरा नॉर्थ सिक्किम क्योंकि ज्यादातर लोग सिक्किम में गैंगटॉक, नाथुला पास और नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप के लिए आते हैं, और साउथ वेस्ट सिक्किम बहुत लोग स्किप भी कर देते हैं क्योंकि उतना समय नहीं रहता है सबके पास पूरे सिक्किम को एक साथ घूमने के लिए। और अगर कभी कभार ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि नॉर्थ सिक्किम और नाथुला का रूट मॉनसून के टाइम लैंडस्लाइड या विंटर में स्नोफॉल के कारण बंद हो जाती है, जो कि हर साल होती भी है, तो आप साउथ और वेस्ट सिक्किम का इस आइटिनरी को फॉलो कर सकते हो। तो पार्ट वन का जो आइटिनरी होगा वो कुछ इस तरह होगा। डे वन में आप पहुंचिए सिक्किम का कैपिटल सिटी गैंगटॉक में, जिसके लिए आप पहले पहुंचिए ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी NJP जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सिक्किम पहुंचने के लिए, या आप बाई फ्लाइट पहुंचिए बागडोगरा एयरपोर्ट और वहां से आपको शेयर टैक्सी, बसेस या डायरेक्ट कैब से आप गैंगटॉक पहुंच सकते हो, या आप डायरेक्ट सिक्किम में गैंगटॉक पहुंच सकते हो पाक्योंग एयरपोर्ट में, लेकिन वहां तक फ्लाइट्स इजीली अवेलेबल नहीं है और बीच में तो ऑपरेशंस भी सस्पेंड किया हुआ था। इससे बेहतर आप बागडोगरा ही पहुंचिए, और कुछ 4 घंटे का सफर होता है बागडोगरा से गैंगटॉक तक का। आपको बागडोगरा या न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक के लिए जो है शेयर टैक्सी, बसेस अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि आप 500, 600, 700 रुपए में जो है आप जा सकते हो। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ट्रेवलिंग के टाइम वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है तो आप पहले से मेडिसिन या वॉमिटिंग ना होने के लिए कुछ खाने का चीजें साथ में जरूर रखिए क्योंकि इस 4 घंटे की जर्नी पर वॉमिटिंग का चांसेस बहुत हाई है क्योंकि आप सिर्फ 4 घंटे में कुछ 400 फीट से 5,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचोगे, जिसके कारण ये इश्यूज बहुत लोग फेस करते हैं। गैंगटॉक पहुंचकर आप अपने होटल में चेक इन करें और उस दिन बस रेस्ट कीजिए क्योंकि आपको गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा। गैंगटॉक में हम लोग रुके थे किंग्सवे बुटीक होटल, जो कि एकदम MG मार्ग के सामने ही था और काफी अच्छा भी था होटल, हीटिंग फैसिलिटीज भी था अंदर। अगर विंटर के टाइम जा रहे हो तो आपका स्टे बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो आप चाहो तो MG मार्ग के सामने ही होटल ले सकते हो, यहाँ पर आसपास बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है, या अगर आप चाहते हो तो मेन सिटी से थोड़ा दूर होटल लेने के लिए जहाँ से व्यू बहुत ही शानदार रहता है तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है अवेलेबल। फिर होटल पहुंच के थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद आप इवनिंग का टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो MG मार्ग में, यहाँ की वाइब्स बहुत ही चिल है और खाने पीने और शॉपिंग के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस
अवेलेबल है यहाँ पर, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस जगह पर। और ऐसे ही आपका खत्म होता है डे वन। डे टू में आप एक्सप्लोर करिए इन एंड अराउंड गैंगटॉक, जिसमें पहले आप जाइए ताशी व्यू पॉइंट, जहां से आपको माउंट कंचनजंगा का बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी जाने के लिए, वरना दोपहर में क्लाउड्स आ जाते हैं तो फिर आपको अच्छे से व्यूज नहीं मिलेगा। चाय विद द व्यू ऑफ माउंट कंचनजंगा, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सच में। और जैसे कि गैंगटॉक, नाथुला पास, ये सब ईस्ट सिक्किम में पड़ता है, तो इस ट्रिप में आप ताशी व्यू पॉइंट से उसी रोड से होते हुए आप जा सकते हो छांगू लेक, बाबा हरभजन सिंह जी की मंदिर और नाथुला पास में। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है, जो आपके ट्रेवल एजेंट ही निकाल देंगे। लेकिन अगर आपके साथ 5 साल से नीचे का बच्चा है तो आपको नाथुला पास तक का परमिट नहीं मिलेगा, छांगू लेक तक का फिर भी मिल जाएगा, लेकिन वो भी आपको अपने रिस्क पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब जगह 12,000-14,000 फीट की ऊंचाई पर, जो मैं तो पर्सनली नहीं रिकमेंड करूंगा वहां तक जाने के लिए, लेकिन आप जा सकते हो अपने रिस्क के ऊपर। वैसे बहुत लोग जाते भी हैं वहां पर। और परमिट के लिए आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो और वोटर आईडी या पासपोर्ट दे सकते हो अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो नाथुला पास, जो कि 14,400 फीट की ऊंचाई पर है और भारत और चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत का बॉर्डर है, यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा होता है। हम लोग जब गए थे दिसंबर में, तब -10 डिग्री के आसपास था टेम्परेचर वहाँ का। और उससे भी ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, वो है तेज हवा। वो कुछ ऐसा फील होता है कि कोई आपके स्किन को कांच के टुकड़े से काट रहा है, और बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है उस टाइम। सीढ़ी से चलना पड़ता है, तो इसलिए आप फुल प्रिपरेशन के साथ हाथ मुंह अच्छे से कवर करके ही जाए। और हाँ, वहाँ पर मोबाइल से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, अगर आप पकड़े गए तो आपका मोबाइल रख भी सकते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। अगर चाहो तो 1-2 फोटोज या वीडियोस के लिए परमिशन लेकर उठा सकते हो, जैसे हम लोग ने किया था। और ये जो सामने का बिल्डिंग आप देख रहे हो, वो चाइनीज साइड में है, और इस साइड है अपना प्यारा भारत, और ये बीच का जो वायर है वो है मेन बॉर्डर। फिर बॉर्डर साइड में थोड़ा टाइम रुकने के बाद आप जाइए बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर, जो कि भारत आर्मी के एक सिपाही थे, जिनका पोस्टिंग 1966 में नाथुला पास में हुआ था। और 2 साल बाद 1968 में एक दिन वो ड्यूटी करते टाइम तेज हवा के कारण फिसलकर एक खाई में गिर गए, और पानी की तेज धाराओं में बहकर उनका शरीर कुछ 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। और उस टाइम बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उनका बॉडी किसी को मिल भी नहीं रहा था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्हीं के एक साथी के सपनों में आकर बताया कि उनका बॉडी कहाँ पर है, और खोज करने के बाद उनका शराब और राइफल उसी जगह पर मिला। और आज के टाइम ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जी आज भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, और दुश्मनों की हर एक हरकतों का इन्फॉर्मेशन भी सोल्जर्स के सपनों में आकर देते हैं। फिर मंदिर से निकलकर रिटर्न में आप रुकिए चांगू लेक में, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, क्लीन और खूबसूरत सा लेक है, और विंटर में तो ये पूरा फ्रोजन रहता है। हम लोग जब दिसंबर में गए थे तो उस टाइम फ्रोजन तो नहीं मिला था, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच तक ये पूरा फ्रोजन रहता है। और छांगू लेक के ऊपर से एक रोप वे भी है, तो उसका राइड भी आप चाहो तो कर सकते हो, जब हम लोग गए थे उस टाइम बंद किया हुआ था। और हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि नाथुला पास तक जाने के लिए टूरिस्ट व्हीकल्स के एंट्री के कुछ लिमिट्स होते हैं, तो कभी कभार ज्यादा रश होने के कारण आपको शेयरिंग व्हीकल में भी जाना पड़ सकता है, तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सिक्किम थोड़ा ईस्ट की तरफ होने के कारण यहाँ पर सनराइज और सनसेट भी बहुत ही जल्दी होता है, शाम को 4:30 तक तो अंधेरा ही हो जाता है। तो आप हर दिन ट्रिप के दौरान कोशिश करें सुबह जल्दी 8 बजे से पहले निकलने का, सारी जगह दिन रहते रहते एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप ताशी व्यू पॉइंट से रिटर्न होकर गैंगटॉक के आसपास कुछ जगह घूम सकते हो दूसरा दिन, जैसे कि बंजाक्री वाटरफॉल्स, रंका मोनेस्ट्री, हनुमान टॉक, गणेश टॉक, रोपवे का भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, जिसका टिकट का प्राइस 120 रुपए पर पर्सन होता है। और फिर आप जा सकते हो मार्थम विलेज, बहुत ही ऑफ बीट सा प्लेसेस है, बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। वहां पर आप सिक्किम के विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, लोकल लोगों के साथ उनके घर में रह सकते हो, सिक्किमिस खाना और वहां के लोकल ड्रिंक्स भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो आप ट्रैक करके जा सकते हो छांगे वाटरफॉल्स, बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल्स है,
पूरा आसपास के गांव से और घने जंगलों के अंदर से होते हुए आप इस फॉल्स तक पहुंचोगे और बिल्कुल साइलेंट सा जगह है, कोई भीड़ भाड़ क्राउड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति मिलेगा, पूरे नेचर के बीच बैठकर आप अपना चाय भी एंजॉय कर सकते हो। हम लोग तो चाय फ्लास्क में लेकर गए थे, मजा आ गया था। Cheers with the view in middle of jungle, enjoying the nature. फिर उस दिन आप मार्तम में होम स्टेज में रह सकते हो या गैंगटोक भी रिटर्न हो सकते हो, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो डे 2 को आप मार्तम में ही रुकिए और डे 3 को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास आप निकल जाइए छांगे वाटरफॉल्स का ट्रैकिंग के लिए और फॉल्स देखने के बाद आप निकल जाइए ईस्ट सिक्किम से साउथ सिक्किम की ओर कुछ फेमस जगह वहाँ के एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, अगर आप नॉर्थ सिक्किम नहीं कवर कर रहे हो तो, वरना डे 4 से डे 6 तीन दिन आपका पूरा लग जाएगा नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करने के लिए और फिर डे 7 से आप साउथ और वेस्ट सिक्किम कवर कर सकते हो। इस पूरे ट्रिप के दौरान आपको एक प्राइवेट टैक्सी हायर करना जरूरी होगा ताकि आप आराम से हर एक जगह अपने हिसाब से घूम सकते हो, जिसका चार्जेस आपको 3,000 से 3,500 के आसपास पड़ जाएगा, डिपेंड करता है कौन सी कार आप बुक करते हो, वरना आप शेयर टैक्सी में भी घूम सकते हो वहाँ के कोई लोकल ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू जो ये सब जगह एज ए ग्रुप टूर कवर कराते हैं। प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो प्राइसिंग के बारे में जानने के लिए। सो साउथ सिक्किम में बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है देखने के लिए, जहाँ पहले आप गैंगटोक से कुछ 2.5 घंटे की सफर के बाद पहुंचोगे तारे बीर, जो कि एक व्यू पॉइंट है 10,000 फीट की ऊंचाई पर। बहुत ही गॉर्जियस क्लिफ व्यू आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, क्या ही बताएं। माउंटेन के एक साइड में आपको देखने को मिलेगा पाइन ट्रीज फॉरेस्ट और दूसरे साइड ग्रास कारपेट जैसा और बीच में बना हुआ है वॉकवे, आप चलकर भी जा सकते हो यहाँ पर। और वहां से आपको दार्जिलिंग और कालिंगपोंग के माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलते हैं। बहुत ही ऑफ बीट सा जगह है, बहुत लोग को तो पता भी नहीं है इस जगह के बारे में, तो आप जरूर जाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर आप वहां से कुछ 1 घंटे की दूरी पर जाकर पहुंचोगे नामची चारधाम में, जहां भारत के चारों धाम बद्रीनाथ, पूरी जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम और द्वारकाधीश धाम के रेप्लिकास आपको यहां देखने को मिलेंगे। साथ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप यहां कर सकते हो। बहुत ही पीसफुल सा जगह है, आप बहुत टाइम यहां पर स्पेंड कर सकते हो और एंट्री के लिए 50 रुपीज पर पर्सन टिकट का प्राइस होता है यहां पर। और अगर मौसम क्लियर रहा तो आपको यहां से माउंट कंचनजंगा का भी बहुत ही शानदार नजारा भी देखने को मिल सकता है। हम लोग जब गए थे तो मौसम क्लियर नहीं था तो कुछ दिख नहीं रहा था। फिर वहां से निकलकर आप लंच कर लीजिए नामची बाजार में ही, आसपास आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप लंच करके फिर जर्नी को कंटिन्यू कीजिए और कुछ 1 घंटा बाद जाकर पहुंचिए टेमी में, जो फेमस है यहाँ के टी प्लांटेशंस और सीनिक लैंडस्केप के वजह से। और यहाँ से भी माउंट कंचनजंगा का व्यू आपको बहुत ही सही आता है टी प्लांटेशन के व्यू के साथ, लेकिन हम लोगों का किस्मत खराब था यहाँ पर भी। वैसे नवंबर से फरवरी का महीना अच्छा होता है माउंटेन पीक्स को देखने के लिए, क्योंकि वेदर क्लियर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो भी आपके लक के ऊपर है। हम लोग 2 बार गए थे सिक्किम, दिसंबर मिड और फरवरी के स्टार्टिंग में, दोनों ट्रिप मिलाकर सिर्फ 1 दिन ही हम लोग को कंचनजंगा का व्यू देखने को मिला, तो कुछ ऐसा था हम लोग का किस्मत। खैर, सब वेदर के ऊपर है। तो हम लोग टेमी में नाइट स्टे किए अनसम कुटीर होम स्टे में और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटैलिटी हम लोगों को मिला, एकदम होमली फील हो रहा था सबके साथ यहाँ पर और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट था। डिनर करके हम लोग थोड़ा बॉनफायर का भी मजे किए ठंड में और थोड़ा कैरोकी की भी। तो आप भी कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो टेमी में। फिर अगले दिन डे 4 को आप सुबह सुबह टेमी टी गार्डन्स में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो और कुछ एक्टिविटीज भी है लाइक जिप लाइनिंग वगैरह, वो सब भी कर सकते हो। और फिर वहां से रवाना हो जाइए रावांगला के लिए, जो टेमी से कुछ 45 मिनट्स का ड्राइव है, जहां पर है रावांगला बुद्धा पार्क। आपको यहां पर 130 फीट हाइट का बिग बुद्धा का स्टेचू देखने को मिलेगा, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है पूरे सिक्किम में। आप थोड़ा टाइम लेकर जाइए इस जगह पर और बस उस जगह की पॉजिटिव वाइब्स को फील कीजिए, बहुत ही पीसफुल सा जगह है। ओम मणि पद्मे हुम द चैंटिंग, ये पूरा जो हर जगह जो बसता रहता है हल्का हल्का,
इतना शांति मिलता है यहाँ पर। फिर बुद्ध पार्क से निकलकर आप कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर जाइए रालंग मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा मॉनेस्ट्री है और बहुत पीसफुल भी। साथ में आप जाइए पास में एक व्यू पॉइंट पर जिसका नाम है टाइटेनिक व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको ईस्ट वेस्ट और साउथ सिक्किम के माउंटेन्स व्यू देखने को मिलते हैं, और इस व्यू पॉइंट के साथ आपका साउथ सिक्किम का टूर भी खत्म होता है। ईस्ट और साउथ सिक्किम घूमने के बाद अब बारी है वेस्ट सिक्किम का, जो फेमस है ब्यूटीफुल हिमालयन रेंजेस के व्यू के लिए। तो रवांगला से कुछ 2 घंटे के सफर के बाद आप जाकर पहुंचिए पेलिंग में शाम तक। पेलिंग में हम लोग रुके थे मैकपी पचू विलेज रिसोर्ट में, थोड़ा बजट में भी था और वहाँ के नज़ारे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। क्योंकि पेलिंग सिक्किम के एकदम वेस्ट पर है, तो आपको वहाँ से माउंट कंचनजंगा और बाकी के माउंटेन रेंजेस और भी ज्यादा नजदीक से देखने को मिलते हैं। फिर उस दिन आप होटल में ही रेस्ट कीजिए और डे 5 को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके थोड़ा जल्दी आप निकल जाइए पेलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पहले आप जाइए पेलिंग स्काई वॉक पर, जो कि ग्लास का एक वॉकवे बना हुआ है और उसमें चलने में भी काफी थ्रिलिंग और मजा भी आता है। और दूसरे साइड पर है 130 फीट हाइट का बना हुआ लॉर्ड चंद्रजिक का स्टेचू, और स्टेचू के एकदम ऊपर तक आप पैदल स्टेयर से भी जा सकते हो, और वहाँ का एंट्री चार्जेस होते हैं 50 रुपीज फॉर एडल्ट और 25 रुपए बच्चों के लिए। फिर कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करने के बाद आप जाइए कंचनजंगा वाटरफॉल्स, जो कि माउंट कंचनजंगा की ग्लेशियर से इसका पानी आता है और यहाँ का एंट्री टिकट 20 रुपीज पर पर्सन होता है। उसके बाद आप जाइए रबदान से रुइंस, जो कि सिक्किम का एंशियंट कैपिटल था, और रबदान से रुइंस के एंट्री पर ही आपको सिटक्योंग बर्ड पार्क भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप थोड़े टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको बहुत तरीके के अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलेंगे। रबदान से रुइंस तक पहुँचने के लिए आपको छोटा सा 20 मिनट्स का एक ट्रैकिंग करना होता है। डीप फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऑन द वे पर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। इजीली रास्ता इधर से घूम के जा सकते हो, हम लोग जा रहे हैं इधर से शॉर्टकट, बस गिर मत जा। देखो ट्रैकिंग कैमरा पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टीप है। और अगर इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताओ तो 1840 AD तक ये सिक्किम का सेकंड कैपिटल था। बाद में जाकर 18th सेंचुरी में इस जगह पर नेपालीज इन्वेशन भी हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ और फिर ये एक रुइंस में कन्वर्ट हो गया। और आज के टाइम सिक्किम गवर्नमेंट ने इस जगह को एक गार्डन में कन्वर्ट कर दिया और बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है आज के टाइम, और यहाँ से भी आपको अच्छे माउंटेन पीक्स देखने को मिलते हैं। फिर रबदान से रुइंस के सामने ही आप जा सकते हो पेमायांग से मॉनेस्ट्री, जिसका उद्घाटन किया गया था 1614 में, और ये भी सिक्किम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री में से है। और कुछ ऐसा ही खत्म होता है आपका 5 दिन का वेस्ट और साउथ सिक्किम टूर। फिर वहां से उस दिन ही आप निकल जाइए बागडोगरा या न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, जहां से भी आपका रिटर्न फ्लाइट या ट्रेन है। और पेलिंग से बागडोगरा तक का डिस्टेंस 140 किलोमीटर और लग जाता है 5 घंटे पहुंचने में। या अगर आप अपना ट्रिप को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप पेलिंग से दार्जिलिंग के लिए भी जा सकते हो, जो कि कुछ 3 घंटे का सफर है, और दार्जिलिंग में आप 2 दिन घूमकर फिर रिटर्न हो सकते हो। तो अब बात करते हैं नॉर्थ सिक्किम का, जो मुझे पता है कि आप सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। तो नॉर्थ सिक्किम थोड़ा हाईर अल्टीट्यूड प्लेसेस में पड़ता है और वहाँ तक का सफर कुछ अलग ही एडवेंचर होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वैलीज, नॉर्थ सिक्किम इज ट्रूली ए पैराडाइज। तो नॉर्थ सिक्किम टूर करने के लिए आपको कंप्लीट 3 दिन लग जाएगा, और अगर आप प्राइवेट कैब से टूर करते हो तो आपको 4000 के आसपास पड़ जाएगा पर डे का एक 6 सीटर SUV कार के लिए, और होटल आपको 2000 रुपए में मिल जाएगा ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। और हाँ, आपको अलग से 3000 रुपए 0 पॉइंट और 3000 रुपए गुरुडोंगमा लेक के ट्रिप के लिए पे करना होता है। ये कोई परमिट चार्जेस नहीं है, ये ड्राइवर चार्जेस है जो आपको अलग से देना होता है उस तरह की ट्रेन में जाने के लिए। या अगर आप शेयर्ड में घूमना चाहते हो नॉर्थ सिक्किम, तो आपको गैंगटॉक में ही बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी मिल जाएंगे, जो 3 दिन का नॉर्थ सिक्किम ट्रिप के लिए आपको कुछ 5000 के आसपास चार्जेस करते हैं, इंक्लूडिंग स्टेज ब्रेकफास्ट और डिनर। तो नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए पहला दिन आप गैंगटॉक से लाचेन के लिए अपना सफर स्टार्ट करोगे, जो कि 125 किलोमीटर की दूरी पर है। लाचेन तक का रास्ता ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन उतना खराब भी नहीं है, तो आप बहुत आराम आराम से जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी निकलने का कोशिश करें। उस दिन पूरा ही आपका लग जाएगा जर्नी में ही, और कुछ 7 घंटे के आसपास लग जाएगा लाचेन तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि ऑन द वे पर आप बहुत सारी जगहें और वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करते हुए जाओगे, जिसमें पहला आता है 7 सिस्टर वाटरफॉल। बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, इसका पानी कुछ 7 स्टेप से होते हुए गिरता है और काफी अच्छा भी लगता है। यहाँ पर आसपास टी शॉप्स भी है, तो आप वाटरफॉल्स की व्यू के साथ चाय का आनंद उठाइए और सफर को कीजिए कंटिन्यू। और फिर कुछ दूर जाने के बाद आता है म्योंगचू वाटरफॉल्स,
बहुत ही प्यारा सा और फोटोजेनिक वाटरफॉल्स है। फिर थोड़ा सा आगे जाकर आता है नागा वाटरफॉल्स। ये फॉल्स भी काफी बड़ा है। पूरे नॉर्थ सिक्किम के टूर के दौरान आपको बहुत सारे इस तरह के वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। फिर एक टनल के अंदर से होते हुए आप जाकर पहुंचोगे चुंगतंग डैम में। यहाँ का पानी बहुत ही ग्रीनिश है, साथ में यहाँ से आपको थोड़े थोड़े बर्फीले पहाड़ों के नजारे भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर तीस्ता रिवर के साइड से होते हुए आप सफर को कंटिन्यू करोगे और जाकर पहुंचोगे लाचेन पर, जो कि 8,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और उस दिन बस आप रेस्ट कीजिए, खूब सारा पानी पिए और अपने बॉडी को हायर एल्टीट्यूड में एक्लेमेटाइज कीजिए और जल्दी खाना खाकर सो जाइए, क्योंकि अगले दिन आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे के आसपास निकलना होगा गुरुडोंगमल लेक के लिए, जो कि 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लाचेन से गुरुडोंगमल लेक तक पहुंचने में 3 घंटा लग जाता है और उस दौरान आप बहुत ही जल्दी कम टाइमों में बहुत सारा अल्टीट्यूड गेन करोगे। 8,800 फीट से 17,800 फीट, लगभग 9,000 फीट आप 3 घंटे में कवर करोगे, तो थोड़ा अनइजी भी फील हो सकता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन के साथ आप उस दिन का सफर स्टार्ट करें और अपने साथ खूब सारा पानी और कैंपर कपूर साथ में जरूर रखिए, ताकि अगर आपको ब्रीदिंग का इश्यूज होता है तो कपूर से जो है आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा ब्रीदिंग में। और ऑन द वे पर आप पहले पहुंचोगे ब्रेकफास्ट के लिए थंगू वैली। यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है, तो आप थोड़ा टाइम यहाँ पर रुक के अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, जो आपको मिल जाएगा होटल से ही आपको पार्सल करके दे देंगे। फिर यहीं पर थोड़ा रेस्टरूम वगैरह यूज करके आप सफर को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो ऑन द वे पर आप आर्मी कैंप से ऑक्सीजन कैंस भी रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। और फिर बहुत ही अमेजिंग सफर के बाद आप जाकर पहुंचोगे गुरुडोंगमल लेक। बहुत ही यादगार रहेगा आपका ये सफर। अगर आप विंटर के टाइम जाते हो तो आपको ये लेक पूरा फ्रोजन मिलेगा। ये एक बहुत ही होली लेक है और इस लेक का पानी कभी भी पूरा फ्रीज नहीं होता, कोई तो एक जगह हमेशा अनफ्रोजन रहता है। यहाँ का हवा भी बहुत ही पतला है, तो आपको सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप बहुत ही आराम आराम से यहाँ पर चले, ज्यादा एक्साइटमेंट में उछल कूद ना करें, वरना बहुत ही खराब हालत हो सकता है आपका। हवा जो इतना पतला है, इतना थिन है, keep drinking lot of water. Initially, जब continuous altitude जो gain हो रहा था, मेरे को इतना sickness हो रहा था, उल्टी फील आ रहा था, camper कपूर ने जो है जान बचा लिया, सच बताओ तो। और जहाँ पर कार पार्किंग है वहाँ से लेक तक के लिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ चलकर जाना होता है, तो आप सोच समझ कर ही नीचे जाए, क्योंकि नीचे जाने के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऊपर आते टाइम आपको एक एक स्टेप्स बहुत ही चैलेंजिंग फील होगा। तो बहुत ही आराम आराम से जाए और 1 घंटे से ऊपर यहाँ पर स्पेंड ना करें, वरना तबीयत के साथ साथ आपका पूरा टूर भी खराब हो सकती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि गुरुडोंगमल लेक में 11 बजे के बाद वहाँ रहना अलाउड नहीं है, वहाँ से आपको निकलना ही होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ का मौसम बहुत ही ठंड और तेज हवा चलती है, तो सेफ नहीं होता है वहाँ पर रुकना। फिर गुरुडोंगमल लेक से रिटर्न में आप जा सकते हो काला पत्थर भी, वहां पर आपको बहुत सारे स्नो भी देखने को मिलेंगे, तो आप एंजॉय कर सकते हो कुछ टाइम वहां पर स्नो में, या तो आप चाहो तो काला पत्थर को स्किप भी कर सकते हो और नेक्स्ट डे आप 0 पॉइंट के लिए ऐसे भी जाओगे और वहां पर भी आपको इसी तरह का स्नो देखने को मिलेगा। और फिर आप डायरेक्ट निकल जाइए गुरुडोंगमल लेक से लाचुंग के लिए, जो फिर से पूरा दिन ही लग जाएगा आपका 6 घंटे के आसपास लाचुंग तक के सफर में। और गैंगटॉक से लाचेन जाते टाइम चुंगतंग डैम के सामने जहाँ पर आप रुके थे, वहीं से होकर फिर राइट की तरफ आपको एक और रूट से लाचुंग के लिए निकलना होता है। और ऑन द वे पर आपको एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है भीमनाला वाटरफॉल्स, या अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स के नाम से भी ये फॉल्स बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इस वाटरफॉल्स का हाइट काफी लंबा है इसलिए। फिर लाचुंग पहुँच कर उस दिन आप बस अच्छे से खाना खाइए और रेस्ट कीजिए। नॉर्थ सिक्किम टूर के डे 3 को फिर से आप सुबह सुबह 7 से 8 बजे के आसपास निकल जाइए युमतंग वैली और 0 पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए। लाचुंग से युमतंग वैली तक का सफर बेहद ही खूबसूरत होता है और कुछ 1 घंटा लगता है वहां तक पहुंचने में। युमतंग वैली फेमस है यहां की पिक्चर परफेक्ट वैली व्यूज की वजह से, और इस जगह की फोटोज तो आप लाइफ में कभी ना कभी कहीं पर तो कैलेंडर्स में तो जरूर देखे होंगे, बहुत ही सीनिक है। और समर्स में तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फूल खिलते हैं और इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। चारों तरफ स्नो क्लेड माउंटेन्स और साथ में बहती हुई तिस्ता नदी मेसमराइज कर देंगे आपको यहाँ की खूबसूरती से। तो आप आराम से कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड कीजिए, और सामने बहुत सारे शॉप्स भी हैं, तो आप चाय और स्नैक्स के मजे भी यहाँ पर ले सकते हो इन वादियों के साथ, और फिर निकल जाइए
जीरो पॉइंट के लिए। हाँ, अगर आप पीक विंटर्स में जाते हो जनवरी या फरवरी में, तब शायद जीरो पॉइंट या इनफैक्ट गुरुडोंगमा लेक का रास्ता भी बंद रह सकता हैवी स्नोफॉल के कारण। हम लोग मिड दिसंबर में गए थे एक बार, तब हर एक जगह ओपन था, और दूसरी बार जब फरवरी में गए थे तब हर एक जगह बंद था स्नोफॉल के कारण। जीरो पॉइंट और गुरुडोंगमा लेक दोनों रास्ता बंद था, तो उस टाइम आप जीरो पॉइंट ना जाकर कटाओ भी जा सकते हो। हम लोग वहां पर गए थे और वो जगह भी काफी अच्छा था। फिर युमतंग वैली से कुछ एक घंटा बाद जाकर आप पहुंचोगे जीरो पॉइंट, जो कि 15,300 फीट की ऊंचाई पर है और फेमस है स्नो के लिए और वहां के स्नो क्लेड ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज के लिए। यहां पर भी ऑक्सीजन थोड़े लो होते हैं, तो आप थोड़ा टाइम लेकर आराम आराम से स्नो को एंजॉय कीजिए और कुछ टाइम यहां पर बिताइए। यहां का व्यूज काफी सीनिक है और ये जगह एकदम एंड पर है और उसके आगे पूरा बॉर्डर एरिया है। और पूरे सिक्किम के सफर के दौरान जो आपको तिस्ता रिवर देखने को मिलता है उसका ओरिजिन भी यही से होता है। फिर जीरो पॉइंट से निकलकर आप लाचुंग में ही लंच करके नॉर्थ सिक्किम की खूबसूरती को अच्छे से अपने आंखों में कैप्चर करके एक बहुत ही लंबा सफर गैंगटॉक के लिए निकल जाए, जो आपको 8 घंटे तो लग ही जाएंगे और शाम भी हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। और कुछ ऐसा ही खत्म होता है आपका पूरा नॉर्थ सिक्किम टूर। तो अगर आपको पूरा सिक्किम प्लस दार्जिलिंग भी घूमना है जैसे हम लोग ने किया था, तो आपको सिक्किम के लिए 10 दिन और दार्जिलिंग के लिए 2 दिन तो जरूर चाहिए होगा, जो कि पूरा 12 दिन का ट्रिप आपका हो जाएगा। तो अब बात करते हैं खर्चे की। तो पूरा सिक्किम का 10 दिन का ट्रिप का जो खर्चा होगा आपका वो कुछ इस तरह होगा। सिक्किम में आपको 1,000, 1,200, 1,500 तक अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर 2,000 करके पकड़ रहा हूँ मील्स के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बुक कर सकते हो होटल। अगर आप फुल सिक्किम ट्रिप नहीं करते हो और सिर्फ नॉर्थ सिक्किम या फिर वेस्ट और साउथ सिक्किम करते हो, तो कितना खर्चा होता है वो आप जो है अपने हिसाब से इस कैलकुलेशन में से निकाल सकते हो और आपको एक आइडिया लग भी गया होगा कि कितना खर्चा हो सकता है जहाँ का भी आइटिनरी आप बनाते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।